कोरोना की तरफ तीन नई लहर में लाखों की मौत का अंदेशा, जिनपिंग बोले कि है वक्त मुश्किल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने देशवासियों को नई साल की दी बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, आपको 2023 की शानदार आशा और खुशी और ढेर सारी सफलता भरा हो। अयोध्या में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला, दिसंबर में बन जाएगा राम मंदिर का गर्भगृह। 3 फीट ऊंची प्रतिमा होगी मालती के सामने। नए साल में कई बदलाव, मालती सुस्ती और मुंबई समेत अन्य कंपनियों की गाड़ी होंगी महंगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर स्मॉल सेविंग स्कीम पर बढ़ा गया। दुनिया में नए साल की धूम, 2023 के स्वागत में म्यांमार ने 4 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाया। रूस के एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में मनाया जाए। ईरान में हिजाब के बाद इस्लामिक राज का विरोध, तानाशाह को मौत के लगे नारे, अब तक 100 लोगों को लूट के मौत की सजा। चीन की कंपनियों पर अमेरिका की नकेल, भारत के बाद जब अमेरिका ने भी लगाया चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध, सरकारी कर्मचारियों को कौन से हटाना होगा टिकटॉक। नवी मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.7 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ कसूर नाइजीरियन को किया गया गिरफ्तार। ड्रग्स को न्यू ईयर की पार्टियों में बेचने की योजना। कश्मीर को कानून का स्पेशल दर्जा नहीं चाहिए, ताकतवर हिंदुस्तान, अमन की गारंटी। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा। नए साल पर दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हरियाणा में भी धरती हिली, लोग नए साल के जश्न में डूबे थे। कोरोना के खतरे को रोकने की तैयारी, चीन जापान समेत 6 देशों के यात्रियों के लिए भारी जारी हुई गाइडलाइन। भारत सरकार ने संशोधित कोविड गाइडलाइन की जारी। नीतीश कुमार ने मुकाबले से पहले ही राहुल गांधी के सामने किया सरेंडर। पीएम उम्मीदवारी को लेकर हेमंत बिस्वा ने कसा तंज, राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बोले, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। नए साल के मौके पर नागपुर आतंक हेडक्वार्टर पर बम उड़ाने की धमकी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। एमपी में नए साल की 2023 का ग्रैंड वेलकम, महाकाल का राज्य स्वरूप में शिव के संदास, गंगा भोपाल समेत देश भर में। नए साल में बढ़ेगी ठंड, 5 से 6 जनवरी को गिरेगा मावठा, जबलपुर से होगी एंट्री, भोपाल इंदौर में गिरेगा तापमान। दर्शन माध गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अगस्त तक होगी स्थापित है। 11 फीट की तैयार इस बार फीट में ढाला जाएगा। 28 हेक्टेयर जमीन में बने रहे स्मारक को इकोनॉमिक सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी केंद्र देश पर नववर्ष की बधाई दी, सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई कहा, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। जनता दर्शन में भारी संख्या में पहुंचे फरियादी, दूर दराज से आए फरियादी ने सुनाई अपनी फरियाद। अम्बेडकर नगर में विद्यालय परिसर में नए साल के जश्न में अश्लील गानों पर डांस, नगर पालिका के बीएसपी प्रत्याशी ने कराया कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह और योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा सिंह तोमर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, श्री नित्यानंद राय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रदीप सिंधिया को जन्मदिन की शुभकामना। सीएम नीतीश कुमार ने नववर्ष 2023 के शुभारंभ अवसर पर श्रमवीरों को दी आर्थिक सहायता, श्रमिक कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। उत्तर सिंह धामी ने आप समस्त देशवासियों को नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं कहा, नववर्ष आप सभी के लिए जीवन सुख और शांतिदायक। मास्क के नाम पर एक और रिकॉर्ड, $200 बिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। एक समय नेटवर्क 300 बिलियन के पार पहुंचे। रायगढ़ के ग्राम पंचायत कुंजीपुरा में ग्रामीणों के द्वारा किया गया चक्का जाम, मकबूल माइन के चलते हैवी वाहन निकलने से परेशान, हैवी वाहनों के चलते दुर्घटनाएं होने, ग्रामीण परेशान। निगमगंज में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के तहत कॉस्को बॉल मैच का समापन।